नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आज जिस व्हीकल के बारे में हम जा रहे हैं वो व्हीकल वाकई में खास है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड ने जो नाम बनाया है अपना इंडिया में, वो नाम तो है ही है, लेकिन उसमें जो चार चांद लगाए जाते हैं ना, वो इस गाड़ी ने हमें लगता है कि लगा के ही मारे। आपको बता दें कि मीटियोर 350 अभी कुछ ही सालों में लॉन्च हुई थी, इसके सक्सेस के बाद सुपर मीटियोर 650 अब आ चुकी है। और हमारे यहाँ एक MGS रॉयल एनफील्ड का शोरूम है जहाँ पर मैं जा रहा हूँ, और आपको बता दें कि ये जो बाइक है वो अभी कल ही के डेट में आई हुई है और अभी तक इस शोरूम में लॉन्च नहीं हुई है। अब हम यहाँ से हजरतगंज से निकलेंगे और मेट्रो के थ्रू से जाएंगे अमौसी मेट्रो स्टेशन पे। अमौसी मेट्रो स्टेशन से कुछ ही दूरी पर है हमारा आरी का शोरूम। चुका हूँ अमौसी मेट्रो स्टेशन पे, और यहाँ से हम नीचे जाएंगे और शोरूम में विजिट करेंगे, वहाँ पर देखेंगे कि आखिरकार सुपर मीटियोर का ये मॉडल कैसा है। अब मैं जो सामने देख पा रहा हूँ वो रॉयल एनफील्ड का शोरूम है, मेरे जस्ट सामने है, और मैं वहाँ से कुछ ही दूरी पर पैदल जा रहा हूँ। और ये तो मैं आशा करता हूँ कि व्हीकल अभी शोरूम में डिस्प्ले के लिए तो नहीं खड़ी होगी, वो कहीं पीछे ही होगी। जी हाँ, जैसा मैं देख पा रहा हूँ रॉयल एनफील्ड जो ये बाइक है, TDI कंप्लीट हो गई है और उसके फाइनल चेकअप के बाद उसको कल की डेट में शोरूम पर डिस्प्ले के लिए खड़ा किया जाएगा आफ्टर लॉन्चिंग। बात करें तो मीटियोर 350 जो है वो आपकी एक क्रूजर बाइक है, बट ये जो सुपर मीटियोर 650 है ये प्रॉपर क्रूजर बाइक है। और इसमें अगर कुछ डायमेंशन की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके डिस्प्लेसमेंट की, यानी कि इसके इंजन की। तो इंजन जो है वो बताया जा रहा है कि 650 का इंजन है, यानी कि एक्चुअल में 648 का आपका इंजन इसमें मिल जाता है। और इंजन जो है इसका वो पैरेलल ट्विन 4-स्ट्रोक HOSOFC एयर वेल कूल्ड इंजन है। और इसमें जो हमारे नंबर ऑफ सिलेंडर जो यूज हुए हैं, हर बाइक में मोस्टली एक यूज होता है, लेकिन इसमें दो नंबर ऑफ सिलेंडर यूज किए गए हैं, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम पर इंटरसेप्टर वगैरह में जो इंजन यूज हो रहा है उसी प्लेटफॉर्म पे इसको बनाया गया। इसके मैक्सिमम पावर की अगर बात करें तो 47 PS का पावर देती है, जो कि है 7,250 RPM। मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो 52.3 Nm, जो कि देता है हमारा 5,650 RPM। इसके ब्रेक्स के बारे में अगर बात कर लें तो ब्रेक्स जो है वो दोनों के दोनों डिस्क में आती है, फ्रंट और बैक दोनों। फ्रंट की बात कर लें तो वो आती है हमारी 320 mm का फ्रंट डिस्क आता है और 300 mm की रियर डिस्क आती है, और दोनों डुअल चैनल ABS के साथ में आती है। इसमें टायर साइज की अगर बात करें तो फ्रंट की जो टायर दिया गया है वो 190/19 का टायर दिया गया है, और रियर की बात करें तो ये बहुत ही वाइडर 150/80/16 का टायर दिया गया है। जैसा आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि फ्रंट का टायर आपका काफी बड़ा है और रियर का उससे काफी छोटा है, इसीलिए इसको एक क्रूज और रिलैक्स मोड में इसको चलाया जाता है। इसके डायमेंशन के बारे में अगर बात करें तो इसमें आता है 2260 mm की लेंथ आती है इसकी, 1155 mm की हाइट आती है, और 890 mm की इसकी विड्थ आती है,
और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस के बाद बात करें तो ये आता है 135 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस होता है। गाड़ी आपकी काफ़ी हैवी है तो इसका जो टोटल कर्व वेट आता है वो 241 kg का आता है। हेडलाइट आपकी LED में दी गई है इस बार और टेल लाइट भी इसकी LED में दी गई है। इसमें टोटल 3 वेरिएंट आते हैं। जो इसका बेस वाला वेरिएंट आता है वो 3.49 lakh का आता है और जो इसका टॉप आता है वो 3.79 lakh का आता है। इसके अलावा अगर बात कर लें तो जो सारे फीचर इसमें दिए गए थे मेट्योर 350 में, मोस्टली वही सारे के सारे फीचर दिए गए हैं जिसको मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूँ। स्पेशल अगर बात कर ले तो इसमें कुछ हैजार्ड लाइट आपको दी जा रही है। इनके स्विचेस के बारे में अगर बात करें तो प्रॉपर 350 वाले स्विचेस दिए गए हैं। बाइक के बारे में अगर बात करें तो बाइक को अभी हम लोगों को टेस्ट ड्राइव कराने को तो नहीं मिल सकता क्योंकि अभी गाड़ी फिलहाल इस डीलरशिप पे लॉन्च तो नहीं हुई है। तो फाइनली हमने व्हीकल्स को देख लिया है और देखने के बाद एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है क्योंकि मेट्योर 350 जिस तरीके की प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है वो एक मिड क्लासी लुक बाइक दी गई है, लेकिन जो ये 650 दी गई है ये एक तरह से एडवेंचरस और एडवांस लेवल वाली व्हीकल्स के तरीके से दी गई है। अब अगर मैं अपनी बताऊँ कि व्हीकल कैसी लगी तो मैं कहूँगा बहुत बेहतर व्हीकल है और ये एक तरीके का क्रूज व्हीकल भी कह सकते हैं क्योंकि ये क्रूजिंग बाइक्स होती हैं। क्रूजिंग बाइक्स में इसमें एक और अच्छी चीज़ मैंने देखी कि इस व्हीकल्स को हम लोग पैक करके बैठ रहे हैं। अब रॉयल एनफील्ड वालों का एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आखिरकार 350 क्योंकि मेट्योर 350 ऑलरेडी आ रही है जो लगभग 2.5 lakh रेंज तक आती है और ये बाइक जो है लगभग एक्स शोरूम कॉस्ट ऑलमोस्ट ऑन रोड की अगर बात करें कि ऑन रोड तक व्हीकल्स तक की बात करें अगर तो ये लगभग 4.25 lakh के आसपास जा रहे हैं। अब 4.5 lakh रुपए क्योंकि आप कुछ एक्सेसरीज भी इसमें लगवाएंगे तो सारी चीज़ों में बात किया जाए तो क्या आप उस व्हीकल को लेना पसंद करेंगे? तो मैं तो कहूँगा जी हाँ, अगर आप रॉयल एनफील्ड के लवर हैं, आपको क्रूजिंग पसंद है तो आपको ये व्हीकल लेने चाहिए। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आखिरकार हमारी ये बाइक कैसी लगी, हमारा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा रॉयल एनफील्ड देखने के लिए। आप लोगों से क्या लेते हैं और फिर आप किसी और वीडियो में